अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मैट्रिक्स अबाकुस। तो ये भाई साहब छोटी सी वीडियो है, हरियाणा से भेजी गई हमें, शिखा बंसल ने भेजी है, छोटी सी वीडियो है जी, क्योंकि आज ही हमने कैलकुलेशन वाली एक वीडियो की थी कि जो इंडियन है वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चियाँ बच्चे हैं, तो वो बगैर कैलकुलेटर के भाई साहब इतना लंबा चौड़ा हिसाब करेंगे, कैलकुलेटर से भी तेज। तो क्या तरीकाकार लगाते हैं, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। काउंट ऑन करते हैं जी, 1 2 3, वीडियो स्टार्ट। 4.7 8.9 3.4 7 12.5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5 1 5 8 63.27 7 5
ये समझ नहीं आ रहा, ये छोटे छोटे बच्चे बच्चियां वही क्या कर रहे थे? ऐसे ऐसे कुछ कर रहे थे, कुछ हाथों में कैलकुलेशन कर रहे थे। वो ना वो जब पहली हमने वीडियो देखी थी ना, तो वो लड़की एक थी बता रही थी कि कहती हम ना एक उंगली की जो है उसको चार गिनते हैं। अच्छा, तो ये इस तरह का कुछ सिस्टम है उनका, तो यहाँ पे वो कैलकुलेशन करते हैं उंगलियों में। मतलब के ना कैलकुलेटर को ना उंगलियों के अंदर उन्होंने जो है ना सिखाया गया, कैलकुलेटर ऐसा उंगली को इस्तेमाल करके उसमें उनको तरीका बताया गया है, कुछ ऐसी इजाद मतलब की जिन्होंने की है। याद रखना तो मुश्किल है यार, इतना भाई साहब पॉइंट में भी जवाब बता रहे थे कैलकुलेटर से पहले। वही बात है ना, है कुछ हाथों में उन्होंने जो जितने सिखाया गया है ना, जितने जो बेसिक रूल है ना इसके मैथ के, वो हाथों के अंदर ही उन्होंने टीचरों ने बताया। और उसकी भी थोड़ा सा बता दो कि ये सारा ये इतना मतलब कैसे मुमकिन है ये, हमारे जैसा स्टूडेंट हो ना तो वो लिखे और पूछे यार ये अगला क्या था। हाँ, इतना तो ये बात तो तारक भाई हमें तो समझ नहीं लग रही, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, माइनस करना है, जमा करना है, मतलब इतनी स्पीड से सर बोल रहे थे और वो देख लो किस तरह पिक करके झट से जवाब दे रहे थे। ब्रिलियंट जी, ब्रिलियंट ये भाई। और एक और बात है, जो बच्चियां है ना वो ज्यादा ब्रिलियंट थी, लड़के वो झंडू से खड़े हुए थे बस ऐसे ही नहीं, लेकिन वो बता सकता है लेकिन तमाम के ऊपर बता सारे रहते, लेकिन लड़कियां ज्यादातर कमाल। मैं हैरान हूँ कि वो इतने लंबे चौड़े वो फिगर बोलता गया, जमा करता गया, वो बस ऐसे ऐसे करके वो कैलकुलेटर चला रहे थे इससे वो जमा करते जा रहे। क्या कमाल है भाई, तो इसके पीछे तारक भाई जिस कंट्री के बच्चे इस तरह के उस कंट्री का आगे जाना। तो मेरी आज कई लोगों से बात हुई है, आज मेरे इसी टॉपिक पे ज्यादातर बात हुई है लोगों से, काफी लोगों से बात हुई है। तो वो बोल रहे हैं कि हम कॉलेज में भी अक्सर कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा,
तू तो बोलता था हो जाता है, मेरा क्या यही माना था भाई कैलकुलेटर तो वो मैट्रिक आसानी करता है, लेकिन जो है ना बेसिक रूल वो नहीं इस्तेमाल करते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो भाई साहब कैलकुलेटर मैट्रिक में भी इस्तेमाल करते रहे, शुरू आठवीं क्लास तक कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया आपने, लेकिन उसके बाद जो है क्योंकि वो मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है वो पाई वगैरह। मुश्किल तो नहीं होता, सभी कुछ हो जाता अगर इंसान करे तो। मैं देख ले छोटे छोटे बच्चे इस तरह कर रहे, तो ये भाई प्रैक्टिस ही है। हमारे यहाँ एमसीक्यूज होते हैं ना, उसके अंदर भी मैथमेटिक्स के सवाल होते थे, उसको भी हम कैलकुलेटर पर ही हल करते थे। बिल्कुल, अगर ये बच्चियाँ हो तो भाई कौन सा कैलकुलेटर, और ये तो भाई ऐसे देखे वो बैलेंस शीट जब हम ना वो निकालते थे ना बी कॉम में, तो ऐसे गिनती कर करके बाद बैलेंस शीट बराबर ना भी, और जनाब कैलकुलेटर घुमाओ। हालांकि उसमें कैलकुलेशन में गलती हो जाती थी, मेरा सवाल मुझे एक मैंने सवाल किया था मुझे आता था, मैंने कहा ये तो भाई पक्के से आता है, फिर भी मैं इतनी मैं बार बार चेक करके लिख रहा था कि थोड़ा सा एक फिगर भी उसमें हो जाए ना बैलेंस शीट फिर बराबर आती है। यही बात है तारा, अगर थोड़ी सी मिसिंग हो जाए तो पूरा क्वेश्चन 20 नंबर को सारा करना पड़ता है, इतना टाइम ही नहीं होता बी कॉम में भाई, टाइम बहुत शॉर्ट होता है और लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये जिस तरह बच्चियां कर रही भाई ऐसे ऐसे करके मैं हाथों में कंप्यूटर लगा हुआ था भाई, हाथों में कंप्यूटर लगा था कि दिमाग में कंप्यूटर लगा था, हाथों से कैसे ऐसे कर रही है, हाथों में सिस्टम था। अच्छा मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे दिमाग तेज होता है, ये शार्प हो जाता है, जितना आप करेंगे ना मैथ को उतना दिमाग तेज होता, उतनी महारत हासिल होती। तो बहुत बढ़िया थी भाई साहब वीडियो, छोटी बच्चियों का सलाम है और ऐसे टीचरों को भी जो ऐसी ट्रिक्स सिखाते हैं। हाँ। और हमें भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या तरीका, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए नहीं जाते, अगर है भी तो एक पढ़ते है। भी है तो हम भाई अलग अलग मैथ ना मीठा हलवा है, हाँ। अगर कोई खाए तो यार नलायक बच्चे, हमारे क्लास में नलायक लड़के थे, उनकी मैथ अच्छी थी हमसे, कई होते हैं जो मैथ में तगड़े होते हैं भाई वो करते हैं, लेकिन हम भी करते नहीं। मौजम और यूसुफ की मैथ अच्छी थी, मेरी भी कमजोर थी, सीधी बात है, लेकिन मैंने ना वो जब बी कॉम था तब मैंने अपने हाथों से की, वहां पर तो भाई मजबूरी होती है, शुरू में तो बस दांत अप्पा लगा के पास हो जाता था मैं। तो ठीक है भाई, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।